नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र ध्यान दें, अभी अभी जश विश्वविद्यालय की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये अचानक फैसला लिया गया है। सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि आपकी परीक्षाओं को देखते हुए ये इंस्टेंट अपडेट आई, तो मैंने जस्ट अभी अपडेट आपको शेयर कर रहा हूँ। सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मगर वीडियो को स्टार्ट करें, आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दें और जो चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिएगा, यहाँ पर जो आपके लिए आज की डेट में इंपॉर्टेंट और अचानक ये बड़ा फैसला लिया गया है वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अगर आप ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, अगर ये जानकारी अगर आपको नहीं मिलती तो आपको काफ़ी बड़ी आपको गलती हो जाती है आपसे और ये जानकारी आपको मिल नहीं पाती। खबर क्या है, देखिए इस समय जो है मिड सेमेस्टर की परीक्षाओं में बदलाव बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी बीच अब मिड सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं वो केवल पहले सेमेस्टर में ना होकर दोनों सेमेस्टर में होंगी, ठीक है। साथ में यहाँ पर मिड सेमेस्टर परीक्षाओं में शामिल न होने वाले छात्रों के लिए होने वाली मेक ओवर परीक्षा भी वो समाप्त कर दी गई है। आगे विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस परीक्षा को इसी शैक्षणिक सत्र से खत्म कर दिया जाए, इसको लेकर बात कही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेमेस्टर परीक्षाओं से पहले मिड सेमेस्टर की परीक्षाएँ होती हैं और ये परीक्षाएँ आपकी 30 अंकों की होती हैं, ठीक है। और अब छात्रों को हर 30 अंकों की परीक्षाओं की जगह अब आपको 15-15 अंक को दो परीक्षाएं देनी पड़ेगी, यानी कि पहले 30 अंकों की एक ही परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपकी 15-15 की दो अंकों मतलब दो बार आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, दो परीक्षाएं आपकी देनी पड़ेंगी। मिड सेमेस्टर में परीक्षाओं में उचित कारणों से सम्मिलित न होने पर छात्रों को मेक ओवर परीक्षा की सुविधा भी दी गई थी, लेकिन पिछले वर्ष में यह पता लगा कि कई छात्र जो है इस जो विश्वविद्यालय है मिला था उसको दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी कि भाई अब दो बार आपकी मिड सेमेस्टर की परीक्षाएं वो कराई जाएंगी, ठीक है, 15-15 अंकों की, जो आपकी पहले 30 अंकों की एक ही परीक्षा होती थी, लेकिन अब ये चेंज कर दिया गया है, अब आपकी दो परीक्षाएँ होंगी वो 15-15 अंकों की। तो ये काफ़ी बड़ा और अचानक फैसला लिया गया है और ये अपडेट आपके लिए आ रही है हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय यानी कि HBTU से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कानपुर से रिलेटेड अपडेट आ रही थी, तो यहाँ पर हमने आपके बीच सारी इंपॉर्टेंट अपडेट एक एक करके सारी जानकारी बता दी है। अभी भी कोई आपके डाउट्स रह जा रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई अलग विश्वविद्यालय की कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई ना मिल पाए तो आप लोग को अगर ज़्यादा ही परेशानी होगी तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भारत के कोई विश्वविद्यालय कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डेट शीट, एग्जाम डेट, रिजल्ट, कोई भी चेंजेस किए जाते हैं वो A to Z सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी का काम हम करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाती हैं। फिर मिलते हैं इसी तरीके से नए और जेन्युइन अपडेट के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।